हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ खैर आप सब पहले से होंगे। अच्छा, मैंने ये मोबाइल जो है ना जैस का डिजिट 4G प्रो, ये मैंने अपनी स्टोरी में लगाया था फेसबुक। जब से मैं मतलब मैसेज आए लोगों के इसका आप TTS चेक करवाएं, जो इसमें स्क्रीन रीडर है वो चेक करवाएं, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं करवाऊँ। तो अब मुझे टाइम मिला तो इसके ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो आपको बना के दिखा देता हूँ कि ये कैसा है, इसका कितना सपोर्टेड है। मैं वैसे ही आपको बता दूँ कि फुली सपोर्टेड नहीं है इसके अंदर, जिससे आप समझ रहे होंगे कि E5 वगैरह जिससे नोकिया के फ़ोन आया करते थे उसमें ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये सब है कि मैंने आज ही इसके अंदर एलिगेंट इंस्टॉल किया तो हो गया, वो इंस्टॉल हो गया है। मैं आपको चेक करवाता हूँ इसको। इसमें एलिगेंट इंस्टॉल हो गया और ये मैसेज, ये उस तरह से सपोर्टेड नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। इसको ऑप्शन देने के बाद ही देखिए, मैंने मैसेज लिखा हुआ है ना, तो ओपन करते उसने पढ़ा। अभी मैसेज रीड करेगा, कैसे करेगा, मैंने ऊपर एक बार इसको अप एरो किया, उसके बाद अब मैं इसको करूँगा कि सिलेक्ट वाला बटन जो है ये इस वाला, इसको मैं प्रेस करूँगा। इसका जो अपना वो था TTS, वो तो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त था, वो उसमें कुछ समझ भी नहीं आता था, कुछ भी था। लेकिन आज ये एलिगेंट इंस्टॉल हुआ है तो काफ़ी बेहतर मामला तो हो गए, मैसेज वगैरह सब रीड समझ में आता है। तो पहले एक मसला और था इसमें, जैसे ये सेटिंग्स वगैरह है ना, ये सेटिंग्स के अंदर जो फंक्शंस मेन्यूज वगैरह हैं, तो इसको भी ये सब रीड नहीं करता था। ये अभी अपडेट आई है तो उसके थ्रू ये सॉल्व हुआ है थोड़ा इशू, लेकिन अभी भी इतना नहीं हुआ है कि जितना इसको होना चाहिए। जैसे अगर मेरे को ये नंबर कोई शो होता है, ठीक है, अब मैं इसको ऑप्शन देता हूँ, देखा ऑप्शन आ रहा है ना, ये रीड नहीं कर रहा। बस इसके थोड़ा बहुत एक्सेसिबिलिटी का इशू है इसमें, इसमें थोड़ा बहुत एक्सेसिबिलिटी का इशू है बस, और इसके अलावा कोई मतलब ख़ास बात नहीं कि मैं तो हॉटस्पॉट के लिए यूज़ करता हूँ और कॉल वगैरह कर देता हूँ, मैसेज तो मैं करता नहीं हूँ, फिर वो बाकी मैं टच मोबाइल से कर रहा होता हूँ सब कुछ। तो बाकी आगे मैं इसके अलावा एक और वीडियो बनाऊँगा जो होगी JS डिजिट एनर्जी के बारे में, उसमें वो दिखाऊँगा आपको कि उसमें कितना सपोर्टेड है, और उसमें यूट्यूब वगैरह व्हाट्सअप सब कुछ है, और उसमें 1GB रैम के साथ वो 8GB स्टोरेज है, ठीक है। लेकिन ये भी मोबाइल अच्छा है, लेकिन इसके साथ और थोड़ा बेहतरीन हो गया है, लेकिन जब तक है मेरे पास चलाऊंगा, ऐसी बात है, फिर मैं घर में दे दूंगा किसी को भी, वाला दूंगा मोबाइल, तो उसके साथ में फिर आपको दिखाऊंगा। जब तक के लिए आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, जब मोबाइल मेरे हाथ में आएगा मैं आपको उसकी प्रॉपर वीडियोज़ वगैरह दिखाऊँगा, ठीक है। और कंपनी की तरफ से जो वीडियो आई है वो मैं आपको शेयर कर दूँगा अभी दूसरी वीडियो में, सेकेंड वीडियो जो आएगी, ठीक है। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।